ओके तो स्टार्ट करते हैं ड्रग अराउजल, है ना। तो ड्रग अराउजल क्या होते हैं इसको देखने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमको किसी चीज की लत लगना, आदत लगना, है ना, इसी को बोलते हैं ड्रग अराउजल। जैसे कि ड्रग्स की लत लगना, शराब की लत लगना, सिगरेट स्मोकिंग की लत लगना, हर चीज की लत लग जाती है ना। पढ़ाई की भी लत लगना, लेकिन वो होता ही नहीं है ना, तो ये भी तो एक तरह का नशा है। अगर हम बात करें नशा की, तो नशा हर चीज का होता है ना। पढ़ाई का भी तो नशा होना चाहिए, लेकिन वो हमारे अंदर है ही नहीं। किसी को भक्ति का नशा होता है, वो भी एक नशा है। कोई शराब पीता है, वो भी है। किसी चीज कोई पर्सन की कुछ ना कुछ हॉबीज रहती है, तो वो कहीं ना कहीं वो क्या उसकी हैबिट्स है ना। और हैबिट्स दो तरह की होती है, गुड हैबिट्स भी और बैड हैबिट्स भी, है ना। तो ये अपन देखेंगे ड्रग अराउजल। तो केमिकल ड्रग अराउजल में ऐसे केमिकल व्हेन आर टेकन फॉर पर्पस अदर देन द मेडिसिनल एंड यूज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंपेयर ऑफ फिजिकल फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल फंक्शंस एंड कंक्लूड ड्रग अराउजल। उसने कहा कि ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी के फिजिकली मेंटली एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन को थोड़ा सा डिसरप्ट कर दे, तो उसी को बोलते हैं अपन क्या, ड्रग बोलते हैं। ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, फिजिकल फंक्शंस को और मेंटल फंक्शंस को थोड़ा सा डिसरप्ट कर दे, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रग अराउजल। जैसे कि अगर आप बात करें इन ड्रग्स को हमने, अच्छा इसमें अपन चार या पांच तरह की ड्रग्स देखेंगे, और इन ड्रग्स को हमने वेरियस सोर्स से ऑब्टेन किया, भले इनके सोर्स ऑफ ऑब्टेन अलग अलग है। किसी को हमने किसी प्लांट से किया, है ना, किसी ड्रग को अलग प्लांट किया, तो उसी को अपन देखने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें कि सोर्स मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंड सम फ्रॉम द फंगी, तो मोस्ट ऑफ ड्रग तो हमने फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन की, लेकिन कुछ ड्रग हम फंगाई या फंजाई से भी ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहली ड्रग का नाम है ओपोइड। क्या नाम है, ओपोइड। तो अगर हम ओपोइड की बात करें तो देखो जितनी भी ड्रग है, तो सबसे पहले इनका देखेंगे रिसेप्टर, सोर्स क्या है, इसको हम कैसे इंटेक करते हैं, इसके एग्जांपल क्या है, और एक्शन एंड एनीथिंग स्पेसिफिक, इनका हमारी बॉडी में क्या एक्शन रहता है। तो पहली ड्रग देखते हैं अपन ओपोइड। अगर हम ओपोइड की बात करें तो इनके रिसेप्टर होते हैं CNS और GIT। अगर हम CNS की बात करें तो CNS को बोलते हैं अपन क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और GIT की बात करें तो GIT होता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ने क्या कहा, GIT कहा। तो इसके रिसेप्टर कहां पर होते हैं आपके, CNS और GIT में। सर ये ओपोइड अपन ऑब्टेन कहां से करते हैं, तो इसको ऑब्टेन करते हैं अपन कि पपावर सोमनीफेरा लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, उसका नाम क्या है, पपावर सोमनीफेरा। तो क्वेश्चन आता है कि ओपोइड को अपन ने किससे ऑब्टेन किया, तो डायरेक्टली नाम बताना पड़ेगा, पपावर सोमनीफेरा। फिर सर इसको स्नॉटिंग कैसे, इंटेक कैसे करते हैं, तो स्नॉटिंग के द्वारा और इंजेक्शन के द्वारा। हम क्या करते हैं, इसको स्नॉट करते हैं, सूंघते हैं, और इंजेक्शन के द्वारा क्या करते हैं भाई, बॉडी में ठीक करते हैं। तो ये स्नॉटिंग का मतलब होता है, जैसे कि सपोज यहाँ पर ड्रग, अब हमने क्या यहाँ पर लिया इसको और गहरी सांस ली अंदर ऐसे ऐसे, तो इसी को बोलते हैं अपन स्नॉटिंग करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्नॉटिंग करना, ऐसे ड्रग ली जाती है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक एंड इसी को बोलते हैं डाइएस्टाइल मॉर्फिन, है ना। तो ये मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना। तो वो हीरोइंस वो अलग होती है, बॉलीवुड वाला नहीं, है ना, ये हीरोइंस ड्रग वाला हीरोइंस है ना। तो यहाँ पर क्या इसके एक्शंस क्या है, जो मॉर्फिन रहता है ये बहुत एक इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर होता है। अगर हम मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन का यूज करते हैं अपन कब, जब हमारी सर्जरी होती है। सपोज अगर हम हॉस्पिटल में गए, हमारा पांव फ्रैक्चर हो गया था या पांव की कुछ हमको सर्जरी करवाना है, तो एट द टाइम ऑफ सर्जरी द बाय द मीडियम ऑफ डॉक्टर ड्रग सजेस्ट ऑफ मॉर्फिन, बिकॉज मॉर्फिन आर दोस ड्रग दैट रिड्यूस ऑफ पेन एट द टाइम ऑफ सर्जरी इन पेशेंट। क्योंकि ये क्या करती है भाई, जब हम जो पेशेंट रहता है, जब सर्जरी उसकी होती है, तो उसके टाइम पे ये सर्जरी के दौरान ये जो ड्रग लेते हैं, तो ये सर्जरी की पेन को कम करती है, है ना। तो ये आता है क्वेश्चन कि मॉर्फिन का यूज कब करते हैं, तो आपको बताना सर सर्जरी के दौरान किसका यूज करते हैं, मॉर्फिन, क्योंकि ये पेन को कम करती है, दर्द को गायब करती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मॉर्फिन। यूजफुल इन पेशेंट, आ गया ना, यूजफुल इन पेशेंट अंडरगोइंग द सर्जरी, सर्जरी के टाइम पे यूज करते हैं। फिर हीरोइन एंड स्मैक की बात करें तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन को डिप्रेसेट कर देते हैं और स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, मतलब इसमें हमारा बॉडी फंक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब ये कि अगर इस व्यक्ति ने इसमें ले लिया तो सुस्त हो जाएगा वो, है ना, और बस लेटा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं, उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा।
एंड ऑर्डरलेस होता है ये भाई, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं ग्राइन। अब दूसरी ड्रग आती है उसको अपन क्या बोलते हैं कैनाब्राइड, क्या बोलते हैं इसको कैनाब्राइड। अगर हम कैनाब्राइड की बात करें तो इनके भी रिसेप्टर कहां पर होते हैं आपके ब्रेन में होते हैं, है ना, तो इनके भी रिसेप्टर कहां पर है आपके ब्रेन में। दूसरी बात ये कि कैनाब्राइड किससे होता है, कैनाब्राइड सटाइवा से, कैनाब्राइड किससे ऑब्टेन किया अपन ने, कैनाब्राइड सटाइवा से। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं कैनाब्राइड, तो कैनाब्राइड एक ऐसी ड्रग है जिसको अपन किससे ऑब्टेन करते हैं, कैनाब्राइड सटाइवा से, किससे, कैनाब्राइड सटाइवा से। तो अगर हम बात करें इनके इन्फ्लोरेसेंस की एंड फ्लावर टॉप लीव एंड राइजन ऑफ कैनाब्राइड प्लांट, तो इन जैसे कि अगर हम कैनाब्राइड सटाइवा प्लांट की बात करें तो इनके फ्लावर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इनके लीव्स में ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहां से ऑब्टेन करेंगे इसको कैनाब्राइड्स को। अगर इसकी बात करें कि भाई ये कैसे अपन इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो इनहेलेशन के द्वारा एंड ओरल इंजेक्शन, या तो अपन माउथ के थ्रू, है ना, माउथ के थ्रू लेंगे, या फिर इनहेल करके, भले इसको भी अपन क्या करेंगे भाई, सूंघेंगे, इनहेल करना, इनहेल करना मतलब होता है कि सांस को अंदर खींच कर लेना, है ना, तो इसको भी इनहेल करके लेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके चरस, हसीस, गांजा एंड मारिजुआना, है ना, तो ये किसके एग्जाम्पल आपके कैनाबिनॉइड्स के, तो इसी के अंदर चरस, हसीस, गांजा एंड मारिजुआना, है ना, तो ये क्या होता है इफेक्टिव ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड आल्सो बीइंग अराउज्ड बाय द सम स्पोर्ट पर्सन। अच्छा इसका यूज देखो, एक तो अगर हम गांजे की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो बाबा का प्रसाद है ना, तो उसको भी लेते हैं भाई, तो इससे क्या रहता है, अच्छा उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, क्योंकि ये ड्रग आपकी इफेक्ट करेगी कहाँ पर, इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में जो जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से, तो ये हमारा ब्लड फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो उस गांजे वाले व्यक्ति को थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है ना, होने के दम है ये, है ना, तो उसको एनर्जी आ जाती है, क्यों, क्योंकि ये जो आपकी ड्रग्स है ये यहाँ पर अफेक्ट करेगी और हमारे ब्लड फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा देगी। दूसरी बात ये कि इसका यूज करते हैं स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट पर्सन भी इसका यूज करते हैं, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें मैंने आपको पोलन प्रोडक्ट भी बताए थे, और पोलन प्रोडक्ट का वेस्टर्न कंट्री में यूज होता है, तो वहां पर वो भी और यहाँ पर ये ड्रग, तो स्पोर्ट पर्सन जैसे कि सपोज दैट ये जो स्पोर्ट जो क्रिकेटर होते हैं तो ये क्या करें क्रिकेट खेलते हैं तो ये ड्रग्स को भी लेते हैं, तो इनकी वजह से इनकी जो बॉडी की एफिशिएंसी होती है थोड़ा सा बढ़ जाती है, मतलब इनका स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ जाता है, पता चल रहा चौका छक्का पे वही लगा दिया जा रहा है ना, तो ये क्या करते हैं इसका मिसयूज करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है एक टेस्ट करवाती है, उसी को बोलते हैं डोपिंग टेस्ट, है ना, तो डोपिंग टेस्ट, तो हर चीज के लिए टेस्ट आते हैं, जैसे कि आप कभी विजयनगर से आना वो गाड़ी चलाते आना फोर व्हीलर से आ रहे हो तो आपको गवर्नमेंट क्या करिए आप शराब पी करते हो गाड़ी नहीं चला रहे एक टेस्ट करवाए तो बोले इसका धूप मारो, है ना, तो उस तरीके से वो क्या करती है आपका टेस्ट कि आप शराब तो नहीं पिए, अगर शराब पियोगे और पीते हुए पकड़े गए तो आपका चालान काट देती है ना, तो टेस्ट अलग अलग होते हैं, वैसे ये नहीं गवर्नमेंट भी इसके लिए क्या करती है भाई डोपिंग टेस्ट करवाती है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन स्टिमुलेंट, तो स्टिमुलेंट क्या होते हैं, इनके भी रिसेप्टर आपके सीएनएस में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और अगर हम बात करें ये कहां से ऑब्टेन होता है आपका एरिथ्रोजाइलम कोका या कोका प्लांट, ये क्या है साउथ अमेरिका का नेटिव है ना, मतलब वहां पर वैली ये होता है। फिर अगर हम बात करें इसको भी कैसे लेते हैं अपन स्नॉटिंग के द्वारा, है ना, इसको भी अपन स्नॉट यहाँ पर रखा उसको स्नॉट किया नाक से अंदर लिया किसी को स्नॉटिंग। फिर इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपकी कोकीन, कोका एल्कलाइड या कॉमनली कॉल्ड कोक या क्रैक, तो इसको कोक और क्रैक के नाम से भी जानते हैं, इसको आप एरिथ्रोजाइलम कोका से जो ड्रग ऑब्टेन की। फिर इनका इफेक्ट क्या रहता है, तो इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ये क्या करते हैं हमारे डोपामिन के साथ इंटरफेयर कर जाते हैं ये केमिकल्स, एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा एंड पेशेंट स्टिमुलेट एक्शन ऑफ द सीएनएस, मतलब आपका जो सीएनएस रहेगा तो ये हो जाएगा आपका स्टिमुलेट हो जाएगा एंड प्रोड्यूसिंग द सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। अगर हम यूफोरिया की बात करें तो इसका मतलब होता है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, अगर पेशेंट ने ले लिया तो पता चला कि उसको कितना सारा गम था लेकिन सब भूल जाएगा, है ना, क्योंकि सेंस ऑफ यूफोरिया तो ये उसको हो जाता है। फिर इंक्रीज एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी इंक्रीज कर देता है ये ड्रग, एंड एक्सेसिव डोसेज कॉज हेलुसिनेशंस, अगर हमने इसकी ज्यादा डोज ले ली तो इसकी वजह से हमको भ्रम पैदा हो जाएगा, हमको लगेगा कि दो दो रास्ता पढ़ा रहे हैं हमारे, भ्रम हो जाएगा ये, जबकि रास्ता तो एक्चुअली में एक ही है लेकिन इनके लेने से हमको भ्रम पैदा हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पर दो दो रास्ता पढ़ा रहे किसको देखूं किसको सुनूं, है ना, तो भ्रम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अपन हेलुसिनेशंस हो जाएगा।
तो जैसे कि अगर हम धतूरा की बात करें तो धतूरा में ये होता है, अच्छा धतूरा का साइंटिफिक नेम होता है एट्रोपा बैलोरना, है ना, जो अपन शंकर जी को चढ़ाते हैं, तो वही धतूरा। तो यहाँ पे अगर हम धतूरा की बात करें तो इसमें लिखा भी होता कि है बीन यूज फॉर द हंड्रेड ऑफ ईयर इन फॉक मेडिसिन, है ना। तो ये जो पहले मेडिसिन बनाते होते हैं इससे भी इनका भी यूज कहीं ना कहीं हम ऐसी मेडिसिन को बनाने यूज करते हैं जो पहले टाइम से चली आ रही है। एंड रिलीजियस सेरेमनी एंड रिचुअल ऑल ऑफ द ओवर द लॉ, और इसको हम धार्मिक स्थानों पर भी यूज करते हैं, है ना, शंकर जी के लिए चढ़ाते हैं कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा धतूरा। फिर आपके अदर ड्रग में कुछ सिंथेटिक्स होती हैं, जैसे कि ऐसी ड्रग, अच्छा सिंथेटिक का मतलब होता है ऐसी दवाई जो हमने बना ली, जिनका हमने सिंथेसिस किया, जिन्हों हमने बायोटेक के द्वारा बनाया, फॉर्मेशंस किया, उसी को बोलते हैं सिंथेटिक ड्रग। जैसे इसमें आ जाएगा आपका बारबिट्यूरेट आ जाएगा, बेंजोडाजेपिन आ जाएगा, और एक होता है एम्फेटामाइन। ओके, तो तीन ड्रग आ जाएंगे इसमें, बारबिट्यूरेट, बेंजोडाजेपिन और एक एम्फेटामाइन। एंड दीज ड्रग आर यूज्ड फॉर द हेल्प ऑफ डिप्रेशन ऑफ इंसोमनिया। देखा ना, हेल्थ पेशेंट को विद मेंटल इलनेस, अगर कोई पेशेंट मेंटल इलनेस से सफर करता है, मतलब उसको मानसिक तनाव है, मानसिक रूप से वो बीमार है, उसको नींद नहीं आती, इंसोमनिया है, तो नींद ना आने के लिए पर कौन सी दवाई देंगे फिर, ये वाले तीन सी, एम्फेटामाइन, बारबिट्यूरेट और बेंजोडाजेपिन। तो ये ड्रग क्या करेंगे, आपको नींद लाएंगी। अगर आपको नींद नहीं आती है 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो ये ड्रग अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये ड्रग लिख देता कि चलो ये लेना। लेकिन डॉक्टर ये भी बोल देता है कि इसको रोज रोज नहीं लेना है, जब नींद ना आए तभी इसको लेना है। अगर अपन इसको रोज रोज लेते हैं तो फिर आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपके नशा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको ड्रग्स एब्यूज में रखा कि इन चीज की आदत बन जाएगी। तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको रोज रोज ले रहे, फिर आपको नशा हो जाएगा, फिर आपके बिना इसकी नींद नहीं आ सकती आपको, है ना। जैसे कोई तो कोई शराबी रहता है तो उसकी शराब की लत लगेगी नहीं, तो बिना शराब के वो फिर सोता नहीं है, तो ऐसे इसकी भी लत लग जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ड्रग एब्यूज, है ना। अब हम देखते हैं ड्रग एब्यूज के बाद कि भाई जो ड्रग एब्यूज होता है तो ये ड्रग्स एंड स्पोर्ट पर्सन, तो मतलब जो ड्रग्स रहती है इसका स्पोर्ट पर्सन पर क्या क्या एक्शन रहता है उसको हम देखते हैं। तो लेगा कि हाई टू यूज, जो आपके ड्रग्स को स्पोर्ट पर्सन यूज करते थे क्यों यूज करते थे, भाई स्पोर्ट पर्सन ने इसका यूज क्यों किया, तो देखो तो इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, वो मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एंड प्रमोट एग्रेसिवनेस, मतलब उन्हें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, एंड इनहेंस एथलेट एंड परफॉर्मेंस, वो जो एथलीट्स होते ना, जो धावक होते जो दौड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा फिर कॉमनली अबाउट दिस ड्रग, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनका हम अबाउज कर चुके हैं या जिनको हम लत में ले चुके हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं नार्कोटिक एनर्जेसिक। अच्छा, एनर्जेसिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे दर्द को कम करती हैं, तो पेन किलर को ही बोलते हैं एनर्जेसिक। जैसे कि पैरासीटामोल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जेसिक है क्योंकि दर्द को कम करती है ये दवा, है ना। डिक्लोफेनाक की बात करें, एस्पिरिन की बात करें, ये कहीं ना कहीं एनर्जेसिक ड्रग होती है। फिर डाइयूरेटिक्स, है ना, तो डायुरेटिक्स की बात करें तो डायुरेटिक्स अपन पूरा ही देखेंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मतलब ये क्या करते हैं हमारे, अच्छा स्टेरॉइड क्या होता है, अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर फैट स्टोर हो जाता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं स्टेरॉइड। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जिनमें स्टेरॉइड रहता है, और स्टेरॉइड की वजह से जो फीमेल रहता है या मेल रहता है, अगर उसको लिया, कंजप्शन किया, तो थोड़ा सा मोटा हो गया, फैटी हो जाता है, क्योंकि उसमें दवाओं क्या रहता है, स्टेरॉइड रहता है। फिर सर्टेन हॉर्मोन, है ना, तो कॉमनली अब्यूज ये हो जाएगी। फिर कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, तो इंक्रीज एग्रेसिवनेस एंड मूड स्विंग, है ना, इसमें मूड स्विंग हो जाएगा, एंड डिप्रेशन में भी चले जाएंगे हम, है ना, मूड ऑफ हो जाएगा डिप्रेशन में, मतलब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमको थोड़ा सा सैडनेस फील हो जाएगी इनकी वजह से भी। एंड फिर स्टंट ग्रोथ बिकॉज ऑफ प्रमोट क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग वेन। अच्छा, जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, सपोज वो 10th क्लास में ही पढ़ता है और इनको लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी जो ग्रोथ बढ़ना था वो भी रुक जाएगी, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, जो लॉन्ग बोन रहती है ना, तो इसमें जो रिसेप्टर रहते हैं, तो ये क्या करता है, उसको क्लोज कर देता है, और फिर हमारी हड्डी की ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी, तो उसी को बोलते हैं स्टंट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाती है। सेवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, और हमारे चेहरे पर पिंपल्स भी निकलने लगती है, है ना, तो ये एक्ने का भी कारण क्या हो सकता है, आपका ड्रग होता हो सकता है। फिर उसने कहा कि भाई ये मेल में क्या क्या कारण है इसके, साइड इफेक्ट ऑफ द मेल, तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, और ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है अगर मेल में, तो उसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। तो ये अपन एक डिसीज पढ़ेंगे चैप्टर 5 में,
चैप्टर 5 है आपका डाउन सिंड्रोम है ना। डाउन सिंड्रोम के पहले एक है गाय को मैच किया, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है तो उसमें जो मेल्स रहता है इसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट रहता है तो लाइक ऑफ फीमेल एंड दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड गाय को मैच किया। तो मेल में ये इसका डिसऑर्डर है, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, जो भी मेल इसको लेता है तो उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है और स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो दीज मेल आर नॉट बिकम अ फादर इन अ फ्यूचर, ये कभी भी फादर नहीं बन सकता है ना। एंड रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम ड्रग को लेते हैं तो जो टेस्टिस रहता है इसका साइज भी क्या होता है भाई, कम हो जाता है ना। एंड एक्ने एंड प्रीमैच्योर बॉल्डनेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है तो ये भी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि फीमेल में इसके क्या क्या करेक्टर है, तो फीमेल की बात करें तो मस्कुलाइजेशन फीचर लाइक ऑफ मेल, अगर कोई फीमेल ड्रग्स को लेती है तो उसको मेल जैसे करेक्टर आएंगे, बोले ये कह रहा हूँ मतलब ये कि मेल जैसा उसका टोन रहेगा, मेल जैसा वो बोलेगी, मेल जैसा उसका स्टाइल रहेगा, मेल जैसा सब कुछ रहेगा, मतलब उसको मस्कुलाइजेशन बोलते हैं। अगर कोई फीमेल ड्रग को लेती है तो उसके अंदर मेल जैसे करेक्टर आएंगे। फिर क्या होता है आपका एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर जो फीमेल्स रहती है उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती है, जो पीरियड्स होते हैं वो भी क्या करेंगे एबनॉर्मल आएंगे है ना, या तो बहुत जल्दी आ सकते हैं या फिर जब बहुत देर से, या एनलार्जमेंट हेयर ग्रोथ एंड फेस ऑफ द बॉडी, तो ये भी है कि हमारी बॉडी में या हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा हेयर का भी डेवलपमेंट हो जाएगा फीमेल के अंदर, तो उसी को ये बोलते हैं। फिर डीपनिंग ऑफ द वॉइस, और उसकी आवाज भी गहरी हो जाएगी है ना, तो जो फीमेल्स की आवाज रहती है बहुत सुरीली रहती है ना, लेकिन अगर ये ड्रग्स को लेती है तो उसकी आवाज गहरी हो जाएगी ना। उसके बाद देखते हैं ऑटो इम्यूनिटी, तो ये सारे ड्रग्स के रीजन है और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कभी भी हमको ड्रग्स की लत नहीं लगना चाहिए है ना, कभी भी हमको ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप चोरी करना स्टार्ट कर दो वैसे तो कुछ नहीं करना चाहिए है ना, लेकिन और कुछ काम करना स्टार्ट कर दो लेकिन कभी भी ड्रग्स की लत नहीं लगाना, क्योंकि बेटा जो ड्रग्स की लत होती है बहुत खराब होती है ना। बोलते हैं कि ड्रग्स इज अ टाइप ऑफ डिजीज, ड्रग्स इज अ डिजीज दैट पर्सन सफर, मतलब जैसे कि कोई ड्रग है तो उससे पर्सन सफर किया लेकिन उसकी वजह से पूरी फैमिली क्या जाएगी भाई, सफर कर जाएगी, एक पर्सन ने ड्रग्स को लिया लेकिन फैमिली क्या हो जाएगी भाई, सफर कर जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमको ड्रग्स की लत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से हमारे बस में नहीं रहता, हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में रहती है, क्योंकि इनके रिसेप्टर CNS में होते हैं, GIT होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होते हैं, और ये रिसेप्टर क्या करते हैं केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से अगर हमने एक बार ड्रग्स को लिया तो हमारी लत बढ़ती जाती है और हम उसके आदी हो जाते हैं, तो इसलिए हमको ड्रग्स की लत कभी नहीं लगाना चाहिए ना। तो अब हम देखते हैं, तो ये ड्रग्स पूरा पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से बता रहा हूं है ना। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, तो इसमें लिखा कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म पैथोजन। उसने कहा कि देखो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और इम्यूनिटी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम ये किसके अगेंस्ट करेगा, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा भाई, रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स करेगा तो रिस्पॉन्स के लिए देखो रिस्पॉन्स के लिए हमारा इम्यून सिस्टम है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या रहता है, ऑटो इम्यूनिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या करता है हमारी बॉडी खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है ऑटो इम्यूनिटी। वैसे तो ये कि भाई कोई पैथोजन आएगा तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रक्षा करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या करेगा हमारा इम्यून सिस्टम खुद की सेल को नष्ट करने लग जाएगा। इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं भाई, सपोज दैट लड़का है लड़की है ना, तो लड़का ने क्या किया, लड़की से बात करना बंद कर दिया, अब लड़की उठाएगी नाइफ और ये काटना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसने क्या किया अपने आप के अंदर, अपने अंदर उसने नुकसान करना स्टार्ट कर दिया भाई, वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अरे उसने बात करना बंद कर दिया इसने काटना स्टार्ट कर दिया है ना, ये करते चल रहे, ये तो चल रहा है समाज में है ना। तो यही होता है हमारी बॉडी में, हमने सीखा कहां से, बायो से ही तो सीखा, क्योंकि हमारी सेल भी क्या करती है खुद की सेल को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो वही होता है आपका ऑटो इम्यूनिटी का इसमें लिखा ना कि फ्रॉम सेल्फ सेल, मतलब जो खुद की सेल रहती है तो रिजल्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड बॉडी अटैक ऑफ द सेल्फ सेल, जब हमारी खुद की सेल खुद की बॉडी पर काटना स्टार्ट कर दे तो उसी को बोलते हैं क्या, ऑटो इम्यूनिटी है ना।
तो इसके बाद देखो रीजन क्या है। अब रीजन इसका जेड एक्स हो सकता है भाई, यहाँ पर तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का केस है, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है आपका जेड एक्स हो सकता है, मतलब ये रीजन इसका होता है जेड एक्स। शायद हमारी जो सर से वो फादर और मदर से आई तो उनमें कुछ ऐसा रीजन रहा होगा, तो उसी की वजह से हमारी सर खुद की सेल पर अटैक करती है। तो ये होता बेटा आपका रिमोटेड आर्थराइटिस। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या है, सबक्यूटेनियस नोड, हमारी फिंगर के ऊपर नोड्स आ गए, किसमें, रिमोटेड आर्थराइटिस। ये अपने आप को हमारी बॉडी ने खुद की सेल को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो उसी को बोलते हैं ऑटोइम्यूनिटी। तो इसके बाद देखो स्वेलिंग, स्वेलिंग पाइप, हमारे यहाँ पर एक सूजन आ जाएगी, फिर स्वेलिंग एमसीपी एंड अल्लार डेविएशन। अल्लार यहाँ पर एक नर्व होती है, अल्लार नर्व होती है, तो वहां पर भी क्या होता है डेविएशन हो जाता है, झुक जाएगी या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अब देखो इसी की वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आए, देखा ना, प्रोलिफरेशन एंड इन्फ्लेमेशन, और इसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट ग्रो इनटू द जॉइंट स्पेस। अब हमारी जॉइंट में भी फिंगर जैसे प्रोजेक्शन आ गए, तो इसी को बोलते हैं क्या, रिमोटेड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब ही होता है जॉइंट्स में सूजन या स्वेलिंग आना, उसी को बोलते हैं आर्थराइटिस, इसी को बोलते हैं गांठिया बोलते हैं अपन जनरल लैंग्वेज, क्या बोलते हैं इसको, गांठिया बोलते हैं, गांठिया बात होता है कि नहीं। तो हमारे पैरों में हाथों में स्वेलिंग आना, उसी को बोलते हैं रिमोटेड आर्थराइटिस। तो ये कोई बाहरी कारण नहीं है, इसका कारण क्या है, हमारी बॉडी क्या करती है अपने अंदर कुछ ऑटोइम्यून के कारण हमारी खुद की सेल को नष्ट कर देती है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके,